हाय वेलकम फ्रेंड्स टू ईवो सीएनजी, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारे पास कार है बेलेनो सीवीटी। काफ़ी लोग ये सवाल पूछते हैं कि सीवीटी ऑटोमेटिक कार्स के अंदर आप सीएनजी रन कर सकते हैं कि नहीं, या उनको दिमाग में ये बहम रहता है कि सीवीटी कार्स को आप सीएनजी पे कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो मैं आज आपको ये मिथ्स क्लियर करना चाहूँगा कि आप सीवीटी या ऑटोमेटिक या एजीएस या एएमटी, इन सब कार्स को आप सीएनजी पे बहुत एफिशिएंटली रन कर सकते हैं। और बस जरूरत है थोड़ा सा अच्छे इक्विपमेंट्स की, अच्छा कैलिब्रेशन का, और सेफ्टी फीचर्स को ध्यान रखते हुए आप सही इंस्टॉलेशन कीजिए तो गाड़ी आपकी बिल्कुल पेट्रोल की तरह ही चलेगी और आपको ऑलमोस्ट 50-70% सेविंग रहेगी कार के ऊपर। सो आइए देखते हैं कि हमने इसमें क्या इक्विपमेंट्स चूज़ किए हैं। तो हम बात कर रहे हैं बेलेनो सीवीटी ये ऑटोमेटिक के बारे में। आप देख रहे हैं कि हम ड्राइव कर रहे हैं ये कार बेलेनो सीवीटी और दिस कार इज़ रनिंग ऑन गैस राइट नाउ। तो काफ़ी दोस्तों को ये परेशानी रहती है इस सीवीटी कार के अंदर कि ये कार चलते चलते कुछ गियर्स में बंद हो जाती है, ऑन प्रोबेबली इन स्लो गियर्स। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, मैं पिछले 15 साल से ये कार्स सीवीटी कार्स हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, पर हमें किसी भी कार में ऐसी परेशानी नहीं फेस हुई। और उसका एक ही सिंपल रीज़न है कि हम लोग बेसिक्स बहुत ढंग से करते हैं और हम लोग इक्विपमेंट का चॉइस बहुत ही सोच समझ के करते हैं और वी यूज़ राइट इक्विपमेंट विद राइट फीचर्स। तो आप चाहे बहुत नामी प्रोडक्ट भी ले लेंगे, ज़रूरी नहीं उसमें फ़ीचर्स हों। और आपका अगर बहुत नामी प्रोडक्ट है और उसमें फ़ीचर्स भी हैं और आपका इंस्टॉलर अगर स्किल्ड नहीं है या उसको ज्ञान नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसमें सही परफॉर्मेंस मिल पाए या परेशानियां नहीं हों। तो कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है कि अच्छे इक्विपमेंट, उसके अंदर राइट फीचर्स फॉर दैट कार एंड अ स्किलफुल प्रोग्रामिंग इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ ट्रबल फ्री कन्वर्जन ऑफ एनी व्हीकल इंक्लूडिंग ऑटोमेटिक कार्स। तो मसाल के तौर पर इवन स्मॉल थिंग्स लाइक यूजिंग द राइट टाइप ऑफ इंजेक्टर्स, जिसका कि बहुत अच्छा फ्लो रेट हो, क्लोजिंग टाइम्स बहुत अच्छे शॉर्ट हो, पुटिंग द राइट एंगल ऑफ द नोजल्स, प्रेशर कॉन्स्टेंट हो रिड्यूसर से, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इलेक्ट्रॉनिक्स। क्योंकि अगर आपकी कार के अंदर ECU अब जो आप यूज़ कर रहे हैं, अगर वो फ्यूल एयर का रेशियो प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पा रहा, उसमें OBD का कनेक्टिविटी नहीं है, तो आप गाड़ी का जो CNG पे चलते वक्त फ्यूल एयर रेशियो है वो आप सही मात्रा अमाउंट नहीं दे पाएंगे फ्यूल में। उसका नतीजा ये होगा कि कार एट गिवन टाइम बंद हो सकती है। आप देख रहे हैं कि आइडलिंग पे बिल्कुल स्टेबल है गाड़ी, किसी भी तरह का कोई वाइब्रेशन नहीं है, विद AC विदाउट AC कोई चेक लाइट नहीं है, एंड गियर शिफ्ट्स आर वेरी स्मूथ। कार इज एक्चुअली रनिंग लाइक पेट्रोल, देर आर नो प्रॉब्लम्स व्हाट्सोएवर। सो थैंक्स टू आर इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉम्बिनेशन ऑफ अदर इक्विपमेंट्स लाइक इंजेक्टर्स, वी आर एबल टू डिलीवर व्हाट इज़ रिक्वायर्ड बाय द कार, अ वेरी गुड सिंपल परफॉर्मेंस। यू कैन सी वी आर यूजिंग दीज OBD पैरामीटर्स, जिससे हम देख पा रहे हैं कि इंजेक्शन टाइम्स या फ्यूल रेशियो इज प्रिसाइसली मेट एज पर पेट्रोल। आइए देखते हैं चला इंजन कंपार्टमेंट की और इक्विपमेंट्स की। वी आर यूजिंग एन OBD इक्विप्ड ECU, जिससे कि हम पेट्रोल एयर का रेशियो जान पाते हैं, अकॉर्डिंगली CNG की सेटअप कर पाते हैं फ्यूल रेशियो को लेके। यूजिंग अ वेरिएबल एडवांस, वी आर एबल टू एडवांस द इंजन टाइमिंग, ताकि परफॉर्मेंस इज एज गुड एज पेट्रोल। गियर शिफ्ट्स आर वेरी स्मूथ, वी आर यूजिंग अ वेरी फास्ट इंजेक्टर, एंड वी ऑल्सो मेक श्योर दैट दे आर फिल्टर्स टू इंश्योर ऑल डर्ट इज लेफ्ट आउटसाइड द इंजन। सो देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज इन चॉइस ऑफ द इक्विपमेंट। और ये बहुत ज़रूरी है अगर आप अच्छा सिस्टम चाहते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस चाह रहे हैं आप कार की। वी आर यूजिंग अ 6 लीटर टैंक या 12 kg, जिसको लोग नॉर्मली कहते हैं मार्केट में, इन दिस बेलेनो विच फिट्स इन द बेस्ट। और स्टेपनी भी काफ़ी सिक्योरली माउंटेड है ऑन द बूथ, और उसके अलावा भी काफ़ी स्पेस बचती है, तो आप सामान लगेज रख सकते हैं आपकी बूट के अंदर। वी आर यूजिंग रियर माउंटेड फिलिंग वॉल फॉर ईज ऑफ सर्विस, सो दैट यू डोंट हैव टू ओपन द बॉनेट अगेन एंड अगेन फॉर रीफिलिंग। 12 kg में यू कैन फिल इन अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 8 to 9.5 kg ऑफ गैस, विच इज़ गुड इनफ टू गिव यू रेंज ऑफ अबाउट 150 to 200 kilometers। गो बैक टू द रोड एंड टेस्ट द कार। हमारे सामने इंक्लाइन आ रहा है, सी हाउ कम्फर्टेबली द कार क्लाइम्स, बिकॉज वी आर डूइंग ऑलमोस्ट 16 degrees ऑफ एडवांस।
यू ऑन गैस, एफर्टलेस कार चल रहा है बिल्कुल। आपको लोड बिल्कुल फील नहीं होएगा जैसे पेट्रोल पे चल रहे हैं आप। कार इज वेरी वेरी स्मूथ, गियर शिफ्ट्स ऑन गैस आर सिम स्मूथ। ओवरटेकिंग थैंक्स टू एफिशिएंट मैपिंग विद ओबीडी, इंजन कहीं भी किसी भी स्पीड पर डाई आउट नहीं होगा। No jerks, no check in the lights, no vibration, no idling, minimum power drop on AC. आप कह सकते हैं गाड़ी बिल्कुल पेट्रोल की तरह ही चल रही है। दोस्तों बेलेनो सीवीटी हाईवे या सिटी दोनों ही कंडीशंस में बहुत स्मूथ ड्राइव करती है सीएनजी पे, बशर्ते है आप जो पैरामीटर्स मैंने आपको वीडियो के शुरू में जिक्र किए उनको आप फॉलो करें, तो मैं दावे से कह सकता हूँ आपको बहुत अच्छा माइलेज और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इस सीवीटी कार में मिलेगी ऑन सीएनजी। सो एंजॉय द ड्राइव, एंजॉय द सेविंग्स, टेक केयर, बी सेफ, ड्राइव सेफ, एंड इफ यू लाइक दिस कंटेंट डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल एंड वील सी यू वेरी सून।